ओलंपिक्स शुरू हो चुके हैं और फिर से एक और बार भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक्स गेम में अपने खेल से अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इंडिया को उसका पहला मेडल दिलवाया सी मीराबाई ने और शायद जब तक ये वीडियो आए इंडिया और मेडल जीत चुका हो। खैर, ये वीडियो भी एक प्लेयर के ऊपर है जिसने ना सिर्फ अपने देश का बल्कि अपने प्रदेश का भी नाम ऊंचा करा, और इतना ऊंचा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी छोटी पड़ गई। अब शायद यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि मैं माउंट एवरेस्ट की बात कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। दुनिया के सबसे पहले इंसान जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हम उनको जानते हैं, एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे, शायद इंडिया के पहले भी अवतार सिंह चीमा। पर क्या आप जानते हैं कि आपके स्टेट से वो पहला इंसान कौन है या आपके शहर से? शायद नहीं, मैं भी नहीं जानता था जब तक मैं इनसे नहीं मिला। तो आप भी मिलिए भगवान सिंह जी से। मेरा नाम भगवान सिंह है, मैं एमपी का फर्स्ट माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर हूँ। 19 मई 2016 को मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर खड़ा हुआ था, वो अपने देश के और प्रदेश का झंडा फहरा गया था और अपने देश को जय हिंद बोल दिया था। मैं बहुत ही पुअर फैमिली से हूँ, ग्वालियर में मेरे पिताजी मिठाई का ठेला लगाते थे और मैं खुद ठेले पर रहता था। नगर निगम वाले हमारा ठेला उठा ले जाते थे, पुलिस वाले हमको भगाते थे। हम उस परिस्थिति का सामना करके, उसके अलावा मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ था, ग्वालियर में जिला खेल परिसर कंपू जो हमारा ग्राउंड था मैं वहाँ पे दौड़ने जाता था। वहाँ पे कोई भी गेस्ट आते थे उनका लिए वेट करना, ऐसा लगता था कि मैं भी कब ऐसा कुछ बनूँ कि मैं आऊँ तो मेरे लिए तालियाँ बजें। ऐसी सोचते सोचते मैं है ना एडवेंचर एक्टिविटी भी करता था, ग्वालियर में ट्रैकिंग करना, रॉक क्लाइंबिंग करना, जिस चीज़ें मैं करता रहता था। मगर मैं कुछ ऐसा अटके सोचना चाहता था किसी को बता नहीं सकता था, मगर इतना जानता भी नहीं था कि मैं ऐसा क्या, बस ये सोचता था कि प्रदेश में मेरे को ऐसा कुछ करना है जो किसी ने नहीं करा हो। वो चीज़ मेरे अंदर घूमती रहती थी। मैंने जूडो खेला, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, इतनी सारी चीज़ें, पावर लिफ्टिंग खेलता था, मगर ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मगर जब मैंने देखा, पता करा कि ऐसे खेल जिसके अंदर जोखिम तो है, मगर जब मैं करता था ग्वालियर में फोर्ट पे मैं रनिंग करता था, किले पर रॉक क्लाइंबिंग करता था, ये सब चीज़ें करता रहता था वहाँ पे। मगर फिर एक इच्छा हुई कि नहीं, अब मुझे अपने देश के लिए प्रदेश के लिए कुछ करके दिखाना है, समझे। तब मैंने कुछ लोगों से मिला, कोचों से मिला, मैंने बात करी मैं कि भाई ऐसा क्या है जो प्रदेश में खेल नहीं करा। बोले तेरा खेलों में क्या कर सकता है? मैं कि खेलों में मैं कोशिश तो कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। तो बोले अभी प्रदेश के अंदर है ना, ना तो ओलंपिक का मेडल आया और ना कोई माउंट एवरेस्ट पहुँच पाया, समझे। तो जब मैंने टारगेट देखा मैं कि ठीक है, मैं ओलंपिक का मेडल तो नहीं ला सकता हूँ, मगर साहसिक खेलों में ज़रूर अपने प्रदेश को, अपने ग्वालियर को एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुँचा के रहूँगा। और ये मैंने सोच तो लिया, मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना डिफ़िकल्ट है। जब पता चला कि एवरेस्ट का खर्चा 25 लाख रुपये है और इसके लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, इसके लिए जान जोखिम में डालना पड़ती है, आप जाने के बाद भी वापस नहीं आ सकते। अब जिस चीज़ मैं घर पे तो बता नहीं सकता था, मगर वो मैंने अपने दिमाग में ले लिया कि नहीं, मुझे अब ये काम करना है। बस ये 2007 में मैं भोपाल ग्वालियर छोड़ के भोपाल आ गया और इसी स्टेडियम में मेरी 2007 में 2000 रुपये की नौकरी लगी थी। मगर खेल विभाग में नौकरी लग गई थी तो मेरे को ये था कि मैं जहाँ पर रहकर फिजिकल की तैयारी कर सकता हूँ। अब एवरेस्ट का कितना भी टाइम लगे मेरे को उसकी चिंता नहीं थी, पता नहीं था, बस ये कि मैं यहाँ पर तैयारी कर सकता हूँ और एक ही सपना, एक ही टारगेट कि आप अपने को, प्रदेश को, देश को अपने माउंट एवरेस्ट पर पहुँचाना है। वो चीज़ मेरे अंदर घूमती थी जिसके लिए मैं यहाँ पर 9 घंटे फिजिकल वर्कआउट करता था। मैंने अपने को 3 हिस्सों में डिवाइड करा, एवरेस्ट के लिए कॉन्टैक्ट करना, पैसा इकट्ठा करना, एवरेस्ट के लिए तैयारी करना, ये 3 चीज़ लेकर ना ही मेरे को जाके जब 2008 से मैंने स्टार्ट करा और वो मेरा सपना 2016 में जाके पूरा हुआ। तब जाके ये मतलब कि मैंने जो चीज़ सोची थी घर वालों को भी नहीं बताया था कि मैं क्या किस लिए अपना घर छोड़ कर जा रहा हूँ, बल्कि मेरे बड़े भाई की मैरिज हो गई, छोटे की हो गई थी और मैंने भी अभी तक मैरिज नहीं करी थी, तो मेरा टारगेट और सपना एक ही था, समझे। वो एक वहाँ से शुरू बात हुई थी। अब ये कि एवरेस्ट तो मैं चढ़ा, मगर एवरेस्ट के बाद मुझे किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, एवरेस्ट चढ़ता हुआ सबको दिख गया, वो मैंने कैसे अपना हालत गुजारी। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं भोपाल से ग्वालियर आऊँ, तब मैं साइकिल से भोपाल से ग्वालियर से भोपाल आया था मैं, और मेरे को 3 दिन लगे थे उस टाइम पर, 7 साइकिल थी मेरे पास, समझे। मगर बस एक बोलते ना, एक जुओ से एक जुनून कि जिसमें आदमी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है, उस टाइप का मेरे अंदर था। और बस मेरे को तो एक ही चीज़ दिखती थी, मगर कभी बात भी करता था 2500 रुपये की तनख्वाह में तू 25,000 रुपये 25 लाख रुपये कैसे इकट्ठे होंगे, समझे। मगर ये कि मैं अपने आप से बात कर, नहीं भगवान से कोशिश करो, एक दिन अपना भी दिन आएगा, एक दिन अपन भी करके दिखाएंगे,
समझे, मेरे इस एकेडमी के अंदर जब एकेडमी खुली तब यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर रहते थे, जो कोई ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने जा रहा है, कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल ला रहा है, मैं उनके लिए भी खड़े होकर ताली बजाता था। फिर मैं सोचता था मैं कब ऐसे आऊँगा स्टेज पर, कब मेरे लिए तालियाँ बजाएंगी, समझे। मगर नहीं, भगवान सिंह करो, ऐसे सोचते सोचते 2010-12 हो गई, 2015 तक मैंने कम से कम 118 नेशनल लेवल पर ट्रैकिंग कर चुका था मैं। तो उस टाइम पे मेरा किसी से कहता था मेरे को एवरेस्ट चढ़ना आया था, तो कहते पागल आज तक वहाँ पे कोई चढ़ा है, तू ऐसी बातें करता है, समझे। ऐसे करके मेरा मजाक उड़ा दिया जाता था। अब मैं डर के मारे, फिर शर्म के मारे किसी से कहता भी नहीं था कि मैं एवरेस्ट चढ़ना चाहता हूँ। बस ये लगा रहता था अपना फिजिकल करने में, तैयारी करने में कि नहीं एक दिन तो मैं अपनी दुनिया में सबसे ऊँची ऊँची अपने मध्य प्रदेश को पहुँचा के रहूँगा, समझे। फिर मैंने ना 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, तब मैं एवरेस्ट बेस कैंप तक गया था। एवरेस्ट बेस कैंप तक मैं इसलिए गया, जो मेरे पैसे इकट्ठे करे थे कि जब मैं लोगों को बता सकूं कि देखो मैं एवरेस्ट फर्स्ट बेस कैंप तक आया हूं और मैं माउंट एवरेस्ट तक भी पहुंच सकता हूं। वो मैं टारगेट पूरा करा 16 में जाकर, 15 में जाकर। तब 16 में जब मैंने यहाँ पे स्टेडियम में बात करी अपने खेल विभाग के अधिकारियों से कि सर मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, इसका 25 लाख का खर्चा है, तब खेल विभाग ने मेरी 18 लाख रुपये से मदद करी थी। और मैंने जब मेरे को 18 लाख रुपये की खुशी हुई तो मैंने बोला था आधा एवरेस्ट तो मेरा भी हो गया, समझे। अब एवरेस्ट की ये तो तैयारी सब कुछ हो गया, मैं 1 अप्रैल को यहाँ से एवरेस्ट के लिए चढ़ जाना था मेरे को, और 1 तारीख को मेरी रिपोर्टिंग थी, समझे। मगर मैंने घर पर नहीं बताया कि मैं एवरेस्ट के लिए सिलेक्शन हो गया है और मैं घर पर जा रहा हूँ। घर पर कोई इतना जानते नहीं है एवरेस्ट क्या, बस इतना बताया मैं खेलने जा रहा हूँ, समझे। मगर मेरे को भी मालूम है कि ऐसी जगह पर जा रहा हूँ कि मुझे खुद लौट के नहीं आ पाऊँगा मैं, जी सब पहले ही पता है, क्योंकि मैंने उसकी कितनी सारी एवरेस्ट की चीज़ें देखी थी कि वहाँ से लोग कैसे मरते हैं, कैसे आते हैं, समझे। मगर ये एक जी था कि मार्च मेरे को कैसे भी एवरेस्ट पहुँचना है। मैं है ना 31 मार्च को यहाँ से भोपाल से निकला, 1 तारीख को मेरी रिपोर्टिंग थी, आधी रात को ग्वालियर पहुँचा। ग्वालियर पर मैं बताया कि मैं सिलेक्शन हो गया मेरा, मैं एवरेस्ट क्लाइम करने जा रहा हूँ, समझे। फैमिली के साथ खाना खाया, उन लोगों ने मेरी पूजा वूजा करी और मेरे को सब अच्छा सा करा, समझे। और मैंने उनको एक बॉक्स दिया, मैंने बोला कि ये मेरा बॉक्स है, इसमें मेरे ATM और मेरे रूम की चाबी है, अगर मैं लौट कर नहीं आ पाऊँ तो मेरा सामान उठा ले आना। ये शब्द मेरे उनसे आखिरी शब्द थे बस। उसके बाद मैं ग्वालियर स्टेशन आ गया, वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी और सीधे दिल्ली पहुँचा। दिल्ली से फ्लाइट थी मेरी काठमांडू के लिए, और वो रात मेरी ट्रेन में ऐसी निकली थी कि अब मैं लौट के अपनी फैमिली से मिलूँगा कि नहीं मिलूँगा या क्या होगा, बस वो उतनी रात निकली। उसके बाद तो फिर एक ही सपना, अपना लक्ष्य दिख रहा है आपने को पूरा करना है, और बस हमारा ये क्लाइम चालू हो गया पूरा। ओके अच्छा अच्छा बी बी हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, वेट बी थ्रेड क्लाइम में कही हो, हमारा 20वें दिन हमारा एक क्लाइमर मर गया था जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो वहाँ तक क्लाइम के लिए तो आ गया था। रात को हमारे साथ खाना खाया और रात को वो कितने बजे मर गया, सवेरे सब लोग खो के उठते थे, सब लोग जय हिंद करते थे, समझे। हमारा 8 लोगों का ग्रुप था, 8 में से हम 5 टॉप पे पहुँचे थे, 3 मर गए थे, तो जिसमें इंडिया के हम 5 लोग थे, 2 पोलैंड और 1 जर्मनी का, ऐसे इंटरनेशनल भी हमारे ग्रुप में थे, समझे। तो मैंने सब लोगों को गुड मॉर्निंग नहीं जय हिंद बोलना सिखाया था, तो जो भी अपने टेंट से निकलता था जय हिंद गॉड, और जो इंडियन लोग थे वो तो जय हिंद भगवान ऐसे बोलते थे, समझे। तो वो रात को हम लोगों ने 4-4:30 बजे खाना खाया, सब लोग टेंट से बाहर आ गए, उसको देखा अंदर तो पता नहीं कितने मच गया था। तो पहला हमारा झटका यही लगा कि ये ऐसे मर गया, तो ऐसे तो अपन भी रात को कभी भी सोते रह जाएंगे, समझे। ये तो अपने साथ भी ऐसा कभी भी हो सकता है, समझे। उससे आधे लोग बाग घबरा गए थे, मैं भी बहुत घबरा गया था, समझे, कि ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ भी ऐसे होगा। मगर नहीं, फिर मैंने नेगेटिव सोच नहीं आने दी, मैं कि नहीं अपन ऐसा सोचेंगे तो आगे ही ख़त्म हो जाएंगे।
तो एवरेस्ट वगैरह में और बड़ी क्लाइंब चढ़ने में आपकी 50% पावर, आपकी 50% विल पावर, कि आप कितने स्ट्रॉन्ग है, कि आपके लोग मर रहे हैं उसके बाद भी नहीं आप वो चीज़ करने जा रहे हो और लौट के मिलने वाला कुछ नहीं है, मैं जी के अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए। तो वो चीज़ मैंने ऐसे स्टार्ट करी थी और ये सब मेरा ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। और 19 मई 2016 को मैं दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट पर खड़ा हुआ था। सबसे पहले अपने सब मेरा जो जय हिंद है वो जय हिंद मैंने वहाँ पर करा, अपने देश को प्रदेश को समझे, जो भी गॉड को विश करना था वो करा, अपने देश का फ्लैग फहराया समझे। और उसके बाद सब लोग पूछते कि टॉप पे जाके कैसा लगता है, मैं तो कहता हूँ मेरे को टॉप पे पहुँचने के बाद उतरने की चिंता लग रही थी कि यहाँ तक आ तो गए भगवान सिंह हम नीचे कैसे जाओगे। वो मेरी कहानी का बहुत अच्छा था क्योंकि काफ़ी क्लाइंबर को मैंने देखा है उतरते समय मरते हैं समझे, मगर मेरे को सही सलामत पूरा नीचे उतरने आया था। भगवान इस पे, हाँ इस पे थोड़ा ये रख के आ गया हो, असम भगवान, ठीक है भगवान आ गए आ गए आ गए आ गए। हम 4 दिन तक लगातार उतरने में लगे रहे, 5वें दिन हम नीचे आए तो बेस कैंप पे मेरा पैर इतना सूज गया था और पैर सूजने के बाद मेरा सूज नहीं उतर जाता, इतना अंदर सूज गया था। बस जीत की खुशी थी कि मैं एवरेस्ट तक आया हूँ, तो मेरे को चाकू से काट के अपना सूज उतारना पड़ा, वो सूज यहाँ तक का होता है। और जब मैंने नीचे से मोजा उतारा ना तो जो मैं उंगलियों अंगूठे का मांस था ना वो मोजे के अंदर ही रह गया था, वो मेरी इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी समझे। तब भी मैंने वहाँ पे एक ही बात बोला था मैं कि हमारे सैनिक तो हमारे देश के लिए जान दे देते हैं, मैंने अपने प्रदेश के लिए अंगूठा दिया तो कौन सी बड़ी बात है समझे। वो घटना ऐसे निकली। फिर उसके बाद भी हमको 6 दिन और नीचे उतरना था, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सूज था जिसको मैंने आगे से काट के नहीं और फिर उंगलियों पर पट्टी बांध के 6 दिन मैं ऐसे नीचे उतर के आया था। और मेरा चेहरा वेरा सब पूरा जल चुका था, आँखों से कम दुनाई दिखाई दे रहा था मेरे को, इतनी बुरी हालत थी। मगर बस एक ही चीज़ थी कि जो मैंने चीज़ सोची और मैंने अपने आज प्रदेश को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। देखो चाहे है ना वो प्लेयर हो या चाहे जो आजकल की युवा पीढ़ी है, प्लीज़ मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता, ईमानदारी से अगर आप वर्क करेंगे तो चाहे आपको है ना सफलता किसी को 2 साल में मिलती है, किसी को 2 महीने में मिलती है, मगर मिलती ज़रूर है समझे। मोबाइल तो आज भी है और कल भी रहेगा है ना, मगर आपकी ज़िंदगी का जो डेली एक एक दिन कम होता जा रहा है वो वापस नहीं आने वाला। इसलिए आपका जो भी टारगेट है आप टारगेट को फोकस करिए, टारगेट पे ध्यान रखिए। हमारे अब्दुल कलाम जी जो बोल के गए हैं कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि सपने सच करने के लिए नींद नहीं आती समझे। अगर आप इस लाइन को फॉलो करेंगे तो आपका जो भी टारगेट है अपने को उस टारगेट की तैयारी, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे आपका पढ़ाई हो, चाहे आपका गेम हो, चाहे आपका जॉब हो, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो समय ज़रूर लगेगा मगर आप ज़रूर एक ना एक दिन अपने मंजिल पर पहुँचेंगे। और इसके लिए आप शॉर्टकट ना अपनाएं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आपका रहना खाना मौज मस्ती नहीं है, आपका इस प्रदेश के लिए देश के लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। आप है ना बॉर्डर पर रह कर देश की सेवा नहीं कर सकते, मगर बीच में रह कर समाज की सेवा तो कर सकते हैं। आप अपने हिस्से का खुद कचरा उठाएँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चला के अपना पेट्रोल बचाएँ समझे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, वो मेरा आप लोगों से ज़्यादा निवेदन है। जय हिंद।